क्वेश्चन नंबर एक, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है अर्धवार्षिक परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, एक चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज ले लो, एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात दे रखा है, कोणों का अनुपात दे रखा है, देखो एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसके कोणों का अनुपात दे रखा है ए बी सी डी, देखो इधर कैसे कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, वो ए ये दे रखा है 3:5:9:13 ए दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है कि चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करो, प्रत्येक कोण आपको अलग अलग ज्ञात करना है, जब भी आपके कोण अनुपात में दे रखे हो, कैसे दे रखे हो अनुपात में, तो आपको मानना पड़ेगा कोई भी नंबर, जैसे ये अनुपात है ना, इनके पीछे कोई सा भी नंबर मान लो, क्या लिखेंगे माना जो कोण है, माना जो कोण है वो, मैंने कोण ए को मान लिया 3x, क्या मान लिया 3x, ऐसे कोई भी नंबर अंग्रेजी का अक्षर लगा दो अनुपात के पीछे, x y z जो भी मर्जी है जो, ठीक है, कोण बी को मान लिया मैंने 5x, कोण सी को मान लिया मैंने 9x, और कोण डी को मान लिया मैंने 13x, ऐसे मानना है आपको, कोई सा भी नंबर, मतलब ये जो नंबर दे रखे अनुपात में इसके पीछे एक्स वाई जेड कोई भी लगा दो। अब बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360, चारों अंतर कोणों को जोड़ोगे ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है 360 डिग्री, कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। अब बताओ ए कितना है 3x, बी कितना है 5x, सी कितना है 9x, और डी कितना है 13x, 13x, ठीक है, अब बराबर कितना है 360, अब सबको जोड़ना है 3 और 5 8 8 और 9 17 17 और 13 30, ये हो गया 30x, सबको जोड़ना क्योंकि एक्स एक्स है तो सब जुड़ जाएंगे, बराबर आ जाएगा 360, हमें यहाँ से एक्स का मान निकाल रहे हैं, गुणा में तो एक्स बराबर 360/30, 0 से 0 और 3 का भाग दो तो आएगा 12 एक्स का मान कितना आ गया 12, लेकिन हमें एक्स का मान नहीं निकालना है, हमें इसके चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। देखो पर नंबर एक कोण हमने क्या माना था, एक्स माना था 3 का तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, या इधर अलग करना था तो अलग कर लो, देखो इधर ऐसे निकालना है, अलग लिखो कोण ए बराबर कितना माना था 3x, देखो 3 का तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 12, बताओ कितना आ गया 36 डिग्री, तो बताओ कोण ए कितना आ गया 36। इसी प्रकार कोण बी क्या माना था 5x, क्या माना था 5 का तो 5, एक्स का मान कितना 12 × 5 = 60, तो कोण बी कितना आ गया, ये तो है 36 और ये है 60, कोण सी कितना माना था 9x, 9 का तो 9, एक्स का मान 12, 12 नाम का 108, तो ये वाला कोण सी कितना आ गया 108, और कोण डी बराबर कितना माना था 13x, 13 का तो 13, एक्स का मान कितना है 12, 12 को 13 ये आएगा 156, दोनों गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 156, सभी कोणों का मान अलग अलग ज्ञात हो गया, चाहे तो जोड़ के देख लो, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 360, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा प्रश्न, ये आता है हर साल। अब ये वाला एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, देखो इधर समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ये है आपके एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दे रखा है,
अब जैसे मैंने पहले बेसिक में अच्छी तरह से बताया था, जैसे ही नाम आ जाए समांतर चतुर्भुज, तो आपको उसके सारे के सारे गुणों के बारे में पता होना चाहिए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसका विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। एक विकर्ण तो है ए सी और एक विकर्ण है, और दोनों ही यहाँ पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कहाँ पर? ओ बिंदु पर। और यदि ओ ए बराबर तीन सेमी, ओ ए ये वाला मान दे रखा है तीन सेमी, और ओ डी ये वाला मान दे रखा है दो सेमी। आपको याद करना है ए सी ये पूरी लाइन ए सी, और बी डी ये पूरी लाइन बी डी का मान। देखो सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, सबसे पहले तो सवाल में दिया, बताओ क्या दिया हुआ है? एबीसीडी क्या है कि सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ए क्या है? ए के समांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसके विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण का नाम क्या है? ए का नाम तो एसी है और ए का नाम बी डी, और साथ ही एओ का मान दे रखा है ओए, ओए दे रखा है, ओए का मान कितना दे रखा है? तीन सेमी, और दूसरा और डी का मान कितना है? दो सेमी, ठीक है। आपको याद करना है तो एसी का मान और एक बी डी का मान। देखो समांतर चतुर्भुज में नियम होता है किसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को समधि भाजित, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग कैसा होता है? बराबर। ये तीन है तो ये भी कितना होगा? तीन। ये तीन है तो ये भी कितना होगा? बताओ पूरी कितनी हो गई? छह। तीन और तीन कितनी होगी? छह। ये दो है तो ये भी कितनी होगी? दो। दो और दो कितनी होगी? क्योंकि नियम है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समधि भाजित। देखो सबसे पहले उत्पत्ति में, देखो ध्यान से देखना इधर, सबसे पहले तो मुझे ज्ञात क्या करना है? एक तो एसी का मान क्या ज्ञात करना है? बताओ एसी, ये पूरी एसी किस किस से मिलकर बन रही है? ओए से और ओसी से, किस किस से मिलकर बन रही है? ओए प्लस ओसी बन रही है। ये पूरी एसी मुझे कैसे मिलेगी? जब मैं ओए और ओसी को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी? एसी। देखो अब इसमें भी ओए और ओसी क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? नियम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समधि भाजित। इधर लिखो पीछे क्या लिखोगे? ओए बराबर क्या है? ओसी। बताओ ये बराबर क्यों है? क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? परस्पर समधि भाजन करते हैं। समधि भाजन मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखो एसी का तो एसी बराबर, हमारे पास इन दोनों में से किसका मान दिया हुआ है? ओए का। तो देखो ओए को जैसे लिखो ओए प्लस, अब यहाँ ओए और ओसी दोनों के हैं बराबर है, तो यहाँ ओसी की जगह किसका नाम लिखो? ओए। ओए का ही नाम लिखो। एसी का तो एसी एक ओए और एक ओए दो ओए हो गया। अब देखो एसी का तो एसी दो का दो इंटू ओए का मान कितना है? तीन। बताओ कितना गया? तीन दूनी छह, आगे छह सेंटीमीटर। अगर मान लो कि आप इतना ही नहीं कर रहे हो तो क्या करना? ये भी तीन और ये भी कितनी? तीन। दोनों को जोड़ देना, तीन प्लस तीन कितनी आ जाएगी? छह आ जाएगी। आगे समझे? अब दूसरी मुझे कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? बीडी। कौन सी ज्ञात करनी है? बीडी। बताओ बीडी किस किस से मिलकर बन रही है? ओडी से ओबी से। ओडी और ओबी से मिलकर बन रही है। ये मिलती है ओडी से प्लस ओबी से। अब इसमें देखो ओडी और ओबी दोनों बराबर है, बराबर है। क्या लिखोगे पीछे? ओडी बराबर क्या है? ओडी बराबर क्या है? ओबी। कारण ये रहा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? बीडी का तो बीडी। बताओ यहाँ मान किसका दे रखा है? ओडी का। ओडी का तो ओडी, और यहाँ ओबी की जगह भी क्या लिखेंगे? ओडी बराबर है। बीडी का तो बीडी, एक ओडी दो ओडी, ठीक है।
बीडी का तो बीडी, दो का दो, ओडी का मान कितना है दो, दो तुम कितना आ गया चार। आगे सुन में तीसरा है इसका, देखो एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखो सवाल में कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब। देखो इधर ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके सवाल में कहा है कि इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब। पता नहीं यहाँ कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री कोण बनाते हैं क्या? कथन कैसा है? असत्य। लंब नहीं होते, ये लंब समद्विभाजन होते हैं, केवल समद्विभाजन मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। जबकि 90 डिग्री कोण तो कौन सी आकृति में बनता है? एक तो वर्ग में समचतुर्भुज, एक तो वर्ग में और एक समचतुर्भुज में, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, उसी आकृति में क्या बनता है? तो बताओ कथन कैसा है? कथन है असत्य, मतलब 90 डिग्री के कोण नहीं बनाते। दूसरा देखो, तीसरा क्या? चौथा। हाँ चौथा, ये तो था तीसरा, अब ये चौथा क्या? 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 95 डिग्री किसी चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं क्या? आपको बताना है ये किसी चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं क्या, चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं या नहीं? देखो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 355 अगर जोड़ने पर 360 आता है तो ये समांतर चतुर्भुज के कोण है, अन्यथा नहीं। ये 5 का तो 5, 11 और 8 19, 19 और 28 और 7 हो गया 35, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 355 आ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के कोण में क्या लिखोगे? नहीं है, समांतर चतुर्भुज के कोण नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में क्या कहा है? ये 5वां, अरे जी बोलो 5 में क्या लिखा है? क्या किसी चतुर्भुज के सभी कोण अधिक कोण हो सकते हैं? क्या चतुर्भुज के सभी कोण, ये चतुर्भुज है ना, इसके सभी कोण अधिक कोण हो सकते हैं क्या? अधिक कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। कितना कोण होते हैं? 4। माना कि सभी कोण 91, दूसरा भी 91, तीसरा भी 91 और चौथा भी, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण, सभी 91 मान लिए। इसने कहा अधिक कोण है सभी, अधिक को मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा, 91 की जगह ज्यादा भी ले सकते हो। सबको जोड़ के देखना है, अगर जोड़ने पर 360 आता है तो ये होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। देखो पीछे आ गया 4 और 9 चौका 36, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 360, मतलब सभी कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। हाँ अगर ये कहता है कि एक कोण न्यून है तब तो हो सकते थे, लेकिन सभी कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। अगर समझे, अब देखो छठा, एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री है, एक 8वां देखो, ये चतुर्भुज है छठा, छठा है 6 नंबर। देखो इसने कहा है कि एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका ये वाला कोण 108 दे रखा है, एक कोण कितना है 108, बाकी सभी कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। ये वाला कोण और ये वाला, तीनों कोण कैसे हैं? बराबर। आपको प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। माना कि ये कोण कितना है? ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा, सभी एक से एक से। अब देखो इधर, क्योंकि तीनों बराबर थे, बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों को जोड़ो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 108 बराबर कितना होता है? 360। एक एक्स दो एक्स कितने एक्स हो गए? 3x। ये तो हो गए 3x। 108 उधर भेज दो, 360 माइनस 108, 3x बराबर कितना आ गया?
बाकी करोगे तो 252 गुणा है तो बाद में x बराबर आएगा 252 बटा 3 x बराबर 8 × 24 = 12 प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 84 आगे सुन में।